तो अभी देख सकते हैं, अभी मैं जो है रोहतास किले में हूँ और ये किला का जो नजारा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर ना कोई टूरिस्ट की भी संख्या बहुत कम है, क्योंकि लगभग आपको कच्ची सड़कों से और पूरी तरह से पहाड़ी सड़कों में, काफी खतरनाक सड़क है, और उससे लगभग आपको 3 घंटे की यात्रा करने के बाद रोहतास मार्केट से, 3 घंटे की लंबी यात्रा करने के बाद आप इस किले के पास पहुंचते हैं। तो इसके वजह से भी शायद यहाँ पर टूरिस्टों लोग को जो है बहुत कम आना होता है। ना यहाँ पर गाइड है जो कि गाइड कर सके, बता सके कि ये किला का जो बनाया कब गया था और कब इसे जो है कौन से शासक इसमें शासन किए थे। तो ये सब गाइड जब रहते हैं ना, तो इससे मदद मिलती है समझने में। देख सकते हैं किला का जो भव्यता है काफी गजब का है, काफी बेहतरीन है। और यहाँ अभी देख सकते हैं कि बिजली तक नहीं पहुंची है किला के आसपास। ये यहाँ पर लगभग पहाड़ी पर हम लगभग 3 घंटे की यात्रा किए हैं, पूरी पहाड़ी पर चल करके तब हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर साफ सफाई तो है, साफ सफाई हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन रह गई बात रख रखाव, इसका कुछ खास नहीं है। यहाँ पर कोई इसका मैनेजमेंट नहीं करता है, सिर्फ आइए और अपने हिसाब से इसे घूमिए और जाइए। और किला का जो है मुख्य प्रांगण ही है, आप देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो ये मुख्य जो है बिंदु है जो कहा जाए, तो ये किले का ही है। और देख सकते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी नदी है, और एकमात्र रास्ता है जो कि हम 3 घंटे की पहाड़ी रास्तों को जो है सफर करके काफी मुश्किल से, एक भी जगह जो है आपको सड़क सही नहीं मिलेगा, पूरा टूटा का टूटा हुआ है, और उसे यात्रा करके हम लोग यहाँ पर पहुंचे। देख सकते हैं किले की बनावट कुछ इस प्रकार से है, और इसे शेरशाह सूरी द्वारा माना जाता है कि बनाया गया था। तो यहाँ पर गांव भी बहुत कम है, और साधन के नाम पर तो इधर आपको बहुत कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर जो आप पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं, क्योंकि पर्सनल गाड़ी से ही आना पड़ेगा, यहाँ तक कि गाड़ी आपको जो है बहुत कम ही मिलेगी। तो पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो पूरी तरह से अपनी गाड़ी की टंकी जो है फुल करवा लीजिएगा, तभी इधर आइएगा, क्योंकि इधर आपको अगर तेल खत्म हो गया तो फिर आम नहीं पाइएगा पूरी तरह से ये इस जगह। तो मैं बिहार में शायद मेरा जो अनुभव है घूमने का उसके आधार पर बता रहा हूँ कि इतनी जो है मुश्किल से अगर जो कहीं जगह पर हम लोग पहुँचे हैं, तो ये पहला ये स्थान है। और किले का ये बहुत बड़ा प्रांगण है, ये तो आपका जो है एक छोटा सा भाग में आपको दिखाया, और आप देखेंगे कि इसका प्रांगण बहुत बड़ा है और चारों तरफ दीवार से। लगभग हमको 1 घंटा पहले ही हमको जो है इसका मुख्य द्वार दिखाई दिया था, जहां से हम 1 घंटा लगातार चले हैं, उसके बाद जो है मुख्य किले के पास पहुंचे हैं। तो समझ सकते हैं कि दूरी कितनी रही होगी। दीवार से चारों तरफ से ढका गया है एक पहाड़ी पर, ताकि जो है दुश्मनों से रक्षा हो सके। इसलिए तरह के जो है पहले राजाओं और महाराजाओं के साथ में किले बनाया जाता था, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करते थे। तो दिखाएंगे आपको अंदर में कि क्या क्या कुछ खास है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई रहता है, यहाँ पर कोई भी मनुष्य का जो है किसी तरह का टूरिस्ट क्या है, या फिर किसी तरह की गाइड का है, कोई किसी तरह का यहाँ पर नहीं आप देख पाएंगे, कोई नहीं मिलेगा। तो आप दिन में ही यहाँ पर आए और सवेरे यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि 3 घंटा आपको फिर पहाड़ी एरिया से गुजर करते हुए आपको जो है जाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको लगभग हर गांव एक एक घंटा की आप यात्रा करेंगे तब आप कोई गांव मिलेगा, और वो भी जो है नियमित मात्रा के साधन गांव में भी होते हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल जगह हैं, इधर आना भी काफ़ी डिफिकल्ट है, इसके वजह से जो है जगह भी सीमित होते हैं। तो चलिए हम आगे और भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास है रोहतास किले में।